हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ऐसी विचित्र ध्वनि है जिसने धरती आकाश सबको हिला दिया है। अवश्य ही किसी ने मेरे आराध्य एवं गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, ईश्वर की सौगंध, उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। देवाधिदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस दिव्य धनुष को उठाने का महान कार्य आपके आशीष के बिना असंभव था। महादेव, मैं नतमस्तक हूं। हे गौरी माता, आपने सत्य ही कहा था, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। हे क्षत्रियो, जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता और वो ठोकर खा जाता है, मैं भी अपने दुख में ऐसे ही डूबा हुआ था और मेरे मुख से वो सब अपशब्द निकल गए जो अनुचित और शिष्टाचार के प्रतिकूल थे। मुझे सब अपनी कही हुई अपमानजनक बातों के लिए खेद है। कृपा करके आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया। जाओ, उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। गति नैना अकुलाने, चली विजय माला पहिराने। लजवंती सिय रूप निराला, रघुवर कंठ डारी दई माला। रघुवर कंठ डारी दई माला, रूप निहारत मिथिला वासी,
राम से आ जोड़ी सुख रासी हर्षद देवन रखिए जोड़ी जुगत रूप महिमा नहीं थोड़ी जुगत रूप महिमा नहीं जंबो। साहसी कौन है? आराजनक ऋषिवर, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे परशुराम, क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध इस धनुष को उठाने एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी यह अपराध किया है वो मेरे सामने आए। ऋषिवर, यदि यह अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने ये अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि यह कोई अपराध नहीं है फिर भी मेरे भ्राता शिव की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूं। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। लक्ष्मण, यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया? मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध? क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। मुंह संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदायी ठहरा है तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तू कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है तो आपके पराक्रम से यह धनुष भी जुड़ सकता है। उदंड। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए।
लाड़ प्यार से बिगड़े हुए इस राज किशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर, मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर, जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है। कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर, मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन, मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, श्रेष्ठ मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर भी मैं क्षत्रिय कर्म करने पर विवश हो गया था प्रभु। अब मैं संपूर्ण ब्राह्मणत्व प्राप्त करने जा रहा हूं। आओ पुत्री। मिथिलेश, अब क्या विलंब है? शुभ समाचार अयोध्या पहुंचा दें और महाराज दशरथ से कहें कि शीघ्र ही बारात लेकर जनकपुरी आ जाएं। लग्न पत्रिका लेकर मैं स्वयं अयोध्या जाऊंगा। महाराज की जय हो।
मिथिला राज्य के कुलगुरु ऋषि शतानंद महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्हें सादर यहाँ लेकर आओ, उनका स्वागत हम स्वयं करेंगे। जी महाराज। स्वागत है महर्षि। यशस्वी भव। आपने यहाँ आकर इस सभा की शोभा बढ़ा दी। अयोध्या में जिस प्रकार ऋषिगण का सत्कार किया जाता है, वह समस्त संसार के लिए अनुकरण योग्य है। पधारिए महर्षि। आइए महर्षि। नहीं नहीं अहिल्या पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। स्थान ग्रहण करें। विराजिए ऋषिवर। मैं आप सबके आश्चर्य को एक शुभ समाचार द्वारा समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि दशरथ नंदन श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर जनक नंदिनी राजकुमारी सीता को वधु रूप में प्राप्त किया है। मिथिलेश का यह पत्र आपको स्वयं सब कुछ समझा देगा। आप पत्र लाए हैं तो मैं ये पत्र भी आपकी शुभवाणी में ही सुनना चाहूंगा। कृपया पढ़कर सुना दें। अयोध्या नरेश की सेवा में मिथिला नरेश का सादर प्रणाम। महाराज, अयोध्या और मिथिला के बीच गंगा माता अब तक सीमा रेखा का कार्य कर रही थी, परंतु अब माता ने दोनों को एक करने का निर्णय ले लिया है। अयोध्या और मिथिला सदा से एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु आपके सुपुत्र श्री राम और मेरी सुपुत्री अब इस मित्रता को संसार के सबसे सुंदर नाते में बदलने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सब परिवार मिथिला पधारें और अपने कर कमलों से इस अटूट नाते के भव्य भवन की नींव रखें। मैं और मेरा परिवार राह में नयन बिछाए आप सबकी राह देख रहा है। मिथिलेश को उनके इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु राम तो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे, वो जनकपुरी कब और कैसे पहुंच गए? उन्हें ऋषिवर स्वयं जनकपुरी लेकर आए थे। ऋषिवर हमसे पुत्र मांग ले गए थे, किंतु अब आप पुत्र को एक पुत्र वधु सहित लौटा रहे। मैं मिथिलेश का बहुत आभारी हूं। राजकुमार भरत, ऋषि शतानंद के आतिथ्य का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। राजकुमार शत्रुघ्न, हमें मिथिला जाना है, उसकी सारी व्यवस्था आप करवाएं। जो आ गया।